दोस्तों टाटा ने अल्ट्रोज के साथ क्या कर दिया। जी हाँ, अभी सोच रहे क्या कर दिया अल्ट्रोज के साथ टाटा ने। कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रोज के बारे में, जो कुछ ही दिनों में इंडिया में लॉन्च होगी, जिन्हें मोटर ऑटो शो में हमने उसे प्रेजेंट किया था टाटा ने, जो हम जहां पे हमने देखा था, तो उस बारे में हम कुछ बातें करेंगे। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो टाटा ने अल्ट्रोज के साथ क्या कर दिया। जी हाँ, टियागो वाला 3 सिलेंडर इंजन जो है वो नॉइज करता है, वाइब्रेट करता है, वो अल्ट्रोज में आने वाला है। यही नहीं बल्कि उसका गियर बॉक्स भी जो है वो टिगोर टियागो वाला, वो भी अल्ट्रोज में आ रहा है। सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा। एक प्रीमियम हैचबैक को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कार के जरिए। हम सोच रहे थे कि बलेनो के साथ टाटा टियागो, सॉरी i20 के साथ, पोलो के साथ, होंडा की जाज के साथ एक बढ़िया टक्कर देगी। एक प्रीमियम हैचबैक जो होती है, जिसमें जो चीजें आनी चाहिए वो इसमें होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही अगेंस्ट जो है वो इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। इंजन जो है वो 3 सिलेंडर वाला दिया है, वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो टियागो और टिगोर में आता है। यही नहीं बल्कि वही 5 स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स भी हमें टिगोर टियागो वाला ही अल्ट्रोज में मिलेगा। उससे और एक आगे की चीज अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान मत हो जाइए। उसका वजन भी जो है वो टियागो से लगभग 15 किलो कम आपको मिलेगा। तो जिस चीज के लिए हम बलेनो को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई वो तो बहुत ही हल्की है, तो बलेनो की तरह ही अल्ट्रोज भी आने वाली है, जिसका वजन कम होगा। कीमत को कम रखने के लिए और एवरेज को बढ़ाने के लिए इसका वजन जो है वो टाटा ने कम कर दिया, ऐसा सोचते होगे आप, लेकिन नहीं है। जिस तरह से मारुति अपने प्लेटफॉर्म को लेके आई है, उसमें अभी वैगनार को लॉन्च किया है उस प्लेटफॉर्म में, बलेनो भी वही प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो वैसे ही तरह से टाटा ने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया, अल्फा प्लेटफॉर्म, जिसका वजन तो कम है लेकिन सेफ्टी वो उतनी ही प्रोवाइड करेगा। एक अल्फा प्लेटफॉर्म जो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जिसको आप जब चाहे बड़ा करके बड़ी गाड़ी बना सकते हो, जब चाहे छोटा करके छोटी गाड़ी बना सकते हो, तो उस प्लेटफॉर्म के साथ ये अल्ट्रोज आ रही है, तो ये सेफ जरूर होगी। वजन कम कर पाने में इससे मदद मिलती है, जिससे आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। तो बात यह हो रही है कि अगर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आ रहा है 3 सिलेंडर वाला, जी हाँ 3 सिलेंडर वाला, तो थोड़ा सा पॉइंट ये है कि वो वाइब्रेट जरूर करेगा, लेकिन जिस तरह से टिगोर में उसको फिट किया है, तो वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हो चुका है, तो वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें भी वाइब्रेशन जो है वो कम होगी, लेकिन परफॉर्मेंस गाड़ी का वजन कम होने से थोड़ा सा बढ़िया आपको जरूर फील होगा। दूसरी बात है कि नेक्सॉन वाला इंजन आने वाला था, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई नेक्सॉन वाला इंजन आएगा इसमें, तो वो नेक्सॉन वाला इंजन जो है वो सिर्फ जो है वो टॉप मॉडल पे ही आपको अवेलेबल होगा, तो टॉप मॉडल पे वही मिलेगा। दूसरी चीज है, टॉप मॉडल पे आपको वो 7 इंच का जो टच स्क्रीन है वो आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, लोअर मॉडल में वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जिनेवा मोटर शो में जो अल्ट्रोज को प्रेजेंट किया था, वहां पे लिखा हुआ था कि ये बस जिनेवा एडिशन है अल्ट्रोज की, तो जब वो इंडिया में आएगा तो बहुत सी चीजें जो है वो बदल चुकी होगी, बहुत सी चीजें जो है उसमें। एक चीज ये है कि 17 इंच का अलॉय व्हील वहां पे आपने देखा था, लेकिन यहां पे आपको 15 इंच का अलॉय व्हील ही मिलेगा। तो ये थी अल्ट्रोज के बारे में बातें कि किस तरह से एक कंपटीशन में उतरी, बलेनो के साथ उसका किस तरह से कंपटीशन होगा, देखने के लिए मजेदार रहेगा। कीमत कम जरूर होगी, टाटा की यह हमेशा से कोशिश है कि
कम कीमत में एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतारे। इसी चीज में टियागो में एक अच्छी टाटा को सक्सेस मिला था इस चीज से। लेकिन जब प्रीमियम हैचबैक में आप जा रहे हो तो प्रीमियम एक्सटीरियर इंटीरियर आपने दे दिया, लेकिन इंजन जो है वो कम से कम 4 सिलेंडर इंजन चाहिए था। तो देखते हैं कि लॉन्च होने के बाद क्या होता है। ये जो बातें थी ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है डिक्लेयर हुई, लेकिन बातें चल रही है मार्केट में कि 3 सिलेंडर इंजन आएगा। तो देखते हैं लॉन्च में क्या होता है। लॉन्च तक एल्टोस के बारे में कुछ भी खबर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो जरूर डिसलाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि लाइक क्यों हुआ आपको ये वीडियो, डिसलाइक क्यों हुआ, क्या सोचते हैं आप टाटा अल्ट्रोज के बारे में। इन चीजों के पता चलने के बाद भी क्या आप टाटा अल्ट्रोज को एक बेहतरीन कार मानते हैं, क्या वो बलेनो के साथ टक्कर देगी, i20 के साथ टक्कर देगी, क्या आप उसको लेना पसंद करोगे, बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।